ये डरावनी रियल स्टोरी एक लड़की की है जो कॉल सेंटर में काम करती थी। ये बात गुड़गांव इलाके की है जो बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए बिजनेस के मौके मिलने लगे तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई के समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वो बहुत अमीर होने लगे क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब ये इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही थी। कई बार वो लगातार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का खिताब भी जीत चुकी थी जिसके कारण वो अपने सीनियर अफसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी। वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वो लड़की बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उसके टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आया था, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो फोन पर बात कर रही है लेकिन सामने से कोई कॉल ही नहीं आई है। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। लेकिन अगले दिन जब रोज को ऑफिस आना था और वो वहाँ नहीं पहुँची तो टीम लीडर को चिंता होने लगी क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वो आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज ऑफिस नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया लेकिन रोज से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज का पता निकाला। ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब एम्प्लॉय ने उस पते के मकान मालिक से बात की तो पता चला यहाँ रोज नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वो यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर यहीं आसपास कहीं हो। पता करने पर रोज का कहीं पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने ये खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी कारण से रोज ने अपना सही पता नहीं दिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद रोज का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज के माँ बाप से मिला और रोज के बारे में पूछताछ की। कहा कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है। एम्प्लॉय ने कहा 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है, माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद वो गलत जगह आ गया है।
लेकिन इम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज की फोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा हाँ यही है। ये सुनने के बाद इम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात इम्प्लॉय ने अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से ये जानने के लिए उनसे फोन पर बात की और पता चला कि ये सच है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय डेली रोज के साथ काम कर रहे थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहां कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे एक गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है। वो लोगों को बताता है लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि जहां वो ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पहले पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान वहां कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण ये सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने ये बात फैलने नहीं दी जिससे उनके कारोबार पर प्रभाव न पड़े।